Good morning, students. Today is the second video on crystallography. I hope you must have watched my first video. So today I will discuss different type of projections, especially a spherical and stereographic projection of crystals. And later on, I will discuss different type of symmetry elements which are present in the crystals. So let us start. What are different type of projections? So students, these are different crystal models. If I want to just draw it, just it looks like, है ना? अगर इसको मैं बिल्कुल इसी तरह से प्रोजेक्ट करना चाहूँ, बनाना चाहूँ, बन सकता है बहुत आराम से, लेकिन इट विल टेक टाइम, बहुत समय लगेगा और नंबर ऑफ फेसेस जितना अधिक होगा उतना ही अधिक प्रॉब्लम होगा. इसको बनाना थोड़ा इजियर है, बट ड्राइंग दिस वन इज इट विल बी अ डिफिकल्ट टास्क. सपोज नंबर 48, नंबर ऑफ क्रिस्टल फेसेस आर 48, इन दैट केस दैट इज ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. सेकेंडली, एक डिसएडवांटेज क्या होगा इसमें कि जो एंगुलर रिलेशनशिप है, जो इंटरफेशियल एंगल है, वो भी आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा. यू ड्रॉ दिस, यू कैनॉट से वेदर द इंटरफेशियल एंगल इज 90 डिग्री और नॉट. सो दिस टाइप ऑफ प्रोजेक्शन विच इज नोन एज क्लाइनोग्राफिक प्रोजेक्शन इज नॉट सो पॉपुलर. सो वी इन क्रिस्टलोग्राफी वी यूज स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन. इट इज वेरी एडवांटेजियस, वेरी इजी, टाइम वेरी लेस टाइम कंज्यूमिंग. सो बिफोर दैट, बिफोर स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, यू मस्ट हैव बैकग्राउंड ऑफ दिस स्फेरिकल प्रोजेक्शन. So there are two diagrams here. This is a spherical projection of a crystal and this is stereographic projection. So what happens? Spherical projection में क्या होता है? बहुत simple सा है कि आप एक sphere assume कर लो. मेरे पास एक है, ये ball है, इसको बिल्कुल sphere है ये, okay? अब आप इसमें इसका center है. अब आप एज्यूम करो कि जिस क्रिस्टल मॉडल का या जिस क्रिस्टल का आप स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन करने जा रहे हो, उसको क्या करना है? तो उसको एज्यूम करना है कि विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन इट शुड बी प्लेस्ड इन द सेंटर. मींस द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल एंड द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर मस्ट बी कोइंसिडेंट. अच्छा, इसी को ले लो आप. ये सपोज इसके अंदर हम डाल दें और इसका जो सेंटर है और इस स्फीयर का जो सेंटर है कॉमन सेंटर हो. अब आपको क्या करना है? थोड़ा सा इमेजिनेटिव होना है आपको. अब आपको क्या करना है कि फ्रॉम दैट कॉमन सेंटर आपको एक एक नॉर्मल ड्रॉ करना है. हर फेस पर एक एक नॉर्मल ड्रॉ करना है. तो वो नॉर्मल कहीं टच करेगा, जैसे ये जो ऊपर का जो ये फेस है उसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा? यहां आएगा. आई हैव ऑलरेडी मार्क दिस वन. इसका इसको कहां टच करेगा? ये जो सामने वाला फेस है इसको यहां टच करेगा. देखो ये, तो हम क्या देख रहे हैं कि इसके पेरिफेरी में चार पॉइंट आए हैं क्योंकि चार फेस से आए, ओके? और एक यहां आया टॉप में और एक आया बिल्कुल यहां पर. इसको अगर हम लोग नॉर्थ पोल, इसको साउथ पोल बोले, तो ऑल टुगेदर वी हैव सिक्स फेसेस और सिक्स पॉइंट यू कैन से. यहां पर भी देखो ये सेम थिंग हैज बीन ड्रॉन हियर. दिस इज अ क्यूब placed in the center of the sphere. This is projection is sphere. Center is common. This is also the center of this crystal and center of the sphere. And what I have done, we have draw a perpendicular from this center on all the faces. And it has been extended up to the face of this sphere. So we got these four points, 1, 2, 3, 4 on the this equatorial circle and two points, one at the north pole and second at the south pole. So altogether how many points are there? Six points. Wow, because there are six faces in this. Suppose I draw a spherical projection of this crystal. This is octahedron. So what will happen? Eight points will come on the spherical surfaces.
If I draw this one spherical pole, then how many points will come? Altogether 12 faces, 2, 4, 6, 8, और नीचे भी चार ही है. So altogether there are 12 faces. तो ये सब जो है, ये सब जो पॉइंट्स हैं, इसको हम कहते हैं स्फेरिकल पोल्स. ओके, अभी इसी स्फेरिकल प्रोजेक्शन से स्फेरिकल प्रोजेक्शन ऑफ क्यूब किसी भी क्रिस्टल का बनाया जा सकता है. अब आइए इसी स्फेरिकल प्रोजेक्शन से हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन डिराइव करते हैं. वेरी सिंपल, करना क्या है, वी हैव टू चूज दिस पॉइंट साउथ, साउथ पोल. यहां पे पॉइंट आता है तब भी, नहीं भी आता है हमेशा, दिस इज द स्टैंडर्ड पॉइंट साउथ पोल. तो हमको क्या करना है कि वी हैव टू ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स, ऑल द स्फेरिकल पोल्स विच लाई इन दिस इक्वेटोरियल सर्कल एज वेल एज ऑल द पॉइंट्स इन द अपर हेमिस्फीयर. सो इन दिस केस देयर इज वन पॉइंट इन द अपर हेमिस्फीयर एंड फोर पॉइंट्स इन द इक्वेटोरियल सर्कल. सपोज देयर इज अ फेस लाइक दिस, इफ देयर इज अ फेस लाइक दिस, then a spherical pole will come here also, maybe. Say for example, जैसे इसको हम ले लें, तो इसका इसका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा. spherical pole कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, आ सकता है. तो simplicity के लिए हमने cube दिखाया था आपको, it's all right. तो करना क्या है कि हमको क्या करना है कि ये जो spherical projection से stereographic projection जब हम बना रहे हैं, तो वी हैव टू ज्वाइन ऑल द पॉइंट्स विच लाई इन द अपर हेमिस्फीयर एज वेल एज पॉइंट्स लाइंग इन द इक्वेटोरियल सर्कल. फ्रॉम वेयर, फ्रॉम दिस पॉइंट साउथ से इसको मिला देना है, बहुत सिंपल सा है. और यही हमारा प्रोजेक्शन सर्कल है. किसी भी स्फीयर को काटेंगे तो सर्कल बनेगा. इसको अगर हम काट दें यहां से तो क्या होगा, सर्कल होगा. तो एक्चुअली ये जो सर्कुलर सेक्शन है ना, उसी पर हमको मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स को प्रोजेक्ट करना है. ऑब्जेक्टिव हमारा यही है. तो आप देखो बहुत सिंपल सा है कि अगर यहां से हम इन सबों को ज्वाइन करें तो व्हाट विल हैपन. सिंपल सा है कि ये जो लाइंस हैं, दे आर जस्ट टचिंग टेंजेंशियली. दीज ऑल लाइंस आर जस्ट टेंजेंशियल एंड टचिंग दिस पॉइंट. So there is no shift in the position of these points. जहां यहां था ये वही रह गया. लेकिन इसको क्या हो रहा है, ये जो spherical pole north में था, इसको जब मैं यहां से join करूंगा तो देखिए ये कहां पर project हो रहा है, ये सीधे आकर के transfer हो गया कहां पर, यहां पर. So this has been transferred at the center of the projection circle. तो वेरी सिंपल कि नाउ दीज आर द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ डिफरेंट फेसेस. बट यू विल से दैट देयर आर ओनली 5 पॉइंट, फेसेस आर 6. तो बहुत सिंपल सा है, जिस फेस का स्फेरिकल प्रोजेक्शन लोअर हेमिस्फीयर में जाएगा वो यहां पर प्रोजेक्ट नहीं होगा. फॉलो माय पॉइंट. सो इसमें चूंकि 6 फेस में एक फेस का जो प्रोजेक्शन था वो कहां आया है, लोअर हेमिस्फीयर में आ गया, इसीलिए ये यहां छूट गया, इसमें छूट गया. अगर हम इसका बनाएं ऑक्टाहेड्रन का, तो बट नेचुरल है कि ये जो चार पोल हैं स्फेरिकल पोल अपर में जाएंगे और ये जो चार हैं वो कहां जाएंगे, लोअर में. तो इसका मतलब अगर इसका फिर हम कन्वर्ट करेंगे स्फेरिकल प्रोजेक्शन से स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन अगर हम कन्वर्ट करेंगे, व्हाट विल हैपन, दीज फोर पॉइंट्स विल बी ओमिटेड, ओनली दीज फोर फेसेस विल बी प्रोजेक्टेड ऑन द स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन. सो दिस इज वन डिसएडवांटेज यू कैन से, बट इट टेल्स मेनी थिंग. सो वी कैन जस्ट कैलकुलेट दिस वन, it will give you the interfacial angle, what is the angular distance you can measure. So this is all about spherical projection and stereographic projection. So we can conclude ki ab dekho zara isko dekho, jo horizontal face hai ye iska spherical pole yahan tha, isme kahan aa gaya,
इट इज प्रोजेक्टेड ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल. इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो जितने भी हॉरिजॉन्टल फेसेस हैं वो कहां पर प्रोजेक्ट होता है, बिल्कुल स्फीयर जो सर्कल है हमारा, प्रोजेक्शन सर्कल के ठीक सेंटर में प्रोजेक्ट होता है. और जितने भी वर्टिकल फेसेस हैं, इसमें चार वर्टिकल फेसेस था, उसका प्रोजेक्शन कहां आ रहा है, इस इक्वेटोरियल सर्कल में आ रहा है. तो दूसरा कंक्लूजन मेरा ये हो सकता है कि ऑल द फोर, ऑल द वर्टिकल फेसेस, नॉट ओनली फोर, ज्यादा भी होगा तो कोई बात नहीं है, तो ऑल द वर्टिकल फेसेस विल बी प्रोजेक्टेड ऑन द इक्वेटोरियल सर्कल. ओके, और तीसरा क्या होगा कि इफ द फेस इज इंक्लाइंड लाइक दिस, ये इंक्लाइंड है, ये सब फायर फेस इंक्लाइंड है, तो इसका प्रोजेक्शन कहां आएगा, इट विल कम समवेयर हियर, समवेयर इन द सर्कल. सो जस्ट ज्वाइन इट, यू सी इफ आई ज्वाइन दिस सो इट विल कम हियर, तो क्या हो रहा है, अंदर में कहीं आ रहा है. तो बहुत सिंपल सा है, हम लोग कंक्लूड ये कर सकते हैं कि किसी भी क्रिस्टल का जो हॉरिजॉन्टल फेस है उसका स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन सेंटर जो सर्कल का सर्कल है, प्रोजेक्शन सर्कल, उसके सेंटर पे आता है. जितने भी वर्टिकल फेसेस हैं उनका प्रोजेक्शन इक्विटोरियल सर्कल पे आता है, और अगर इंक्लाइंड फेस है लाइक दिस या लाइक दिस, तो इंक्लाइंड फेस का प्रोजेक्शन, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन कहां आता है, सर्कल के अंदर कहीं आता है. सो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको समझने की जरूरत है. तो ये हमने आपको स्फेरिकल प्रोजेक्शन और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बताया. ओके, अब जो दूसरा पार्ट है आज के लेक्चर का, दैट इज सिमेट्री एलिमेंट्स. तो होता क्या है, व्हाट इज सिमेट्री इन क्रिस्टल. तो सिमेट्री बहुत सिंपल सा चीज है, अगर हम लोग क्रिस्टल को देखें, किसी भी क्रिस्टल को देखें, तो वी कैन फाइंड दैट देयर इज सम रेगुलरिटी ऑफ द फेसेस, एजेस और द सॉलिड एंगल. तो इनकी एक रेगुलरिटी हो सकती है इन पोजीशन, ठीक है, नहीं भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि सभी क्रिस्टल्स में रेगुलरिटी हो, बट मोस्ट ऑफ द क्रिस्टल्स में जो फेसेस हैं, एजेस हैं, सॉलिड एंगल्स हैं, दे आर सिमेट्रिकली डिस्पोज्ड, बट दिस डिस्पोजिशन ऑफ दीज फेसेस, एजेस एंड सॉलिड एंगल, इट मे बी इन रिलेशन टू सर्टेन प्लेन और विथ रिलेशन टू सर्टेन एक्सिस और विथ रिलेशन टू सर्टेन पॉइंट और इन रिलेशन टू टू ऑपरेशंस, रोटेशन एंड इन्वर्शन. तो कहने का मतलब यह है कि सिमेट्री जो हम किसी भी क्रिस्टल में जो सिमेट्री देखते हैं, वो सिमेट्री का रेफरेंस क्या हो सकता है, कोई प्लेन हो सकता है. जैसे मान लो कि इसको हम यहां से ऐसे ये एक प्लेन मान लें, इस प्लेन से अगर इसको हम इसको काट दें तो दो पार्ट में डिवाइड होगा. तो कहने का है कि ये किसी प्लेन के रेफरेंस में सिमेट्रिकल हो सकता है, या ये एक्सिस है इस एक्सिस के रेफरेंस में हो सकता है. आई विल लेट यू अंडरस्टैंड फर्दर, लेकिन मेरा कहने का है कि वो किसी प्लेन के रेफरेंस में सिमेट्रिकल हो सकता है, किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट सिमेट्रिकल हो सकता है, किसी पॉइंट यानी जो सेंटर है क्रिस्टल का उसके रेफरेंस में वो सिमेट्रिकल हो सकता है, या फिर रोटेशन और इन्वर्शन दोनों करे तब सिमेट्रिकल हो सकता है. तो दिस इज द सिमेट्री, मींस रेगुलरिटी ऑफ क्रिस्टल फेसेस, एजेस एंड सॉलिड एंगल. ओके, नाउ देयर आर फोर टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स. फर्स्ट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेकंड वन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, थर्ड वन रोटरी इन्वर्सन एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड फोर्थ वन इज सेंटर ऑफ सिमेट्री. इन बीएससी आई थिंक यू मस्ट नॉट हर्ड दिस टर्म, रोटरी इन्वर्सन एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दीज आर थ्री इंपॉर्टेंट, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड कॉमन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, दीज आर कॉमन टर्म्स एंड यू माइट बी नोइंग. एनीवे लेट अस डिस्कस व्हाट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, रोटरी इन्वर्सन एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री. सो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री. सो प्लेन ऑफ सिमेट्री मीन्स इफ अ क्रिस्टल इज डिवाइडेड बाई ए प्लेन इंटू टू हाफ एंड
one part is exactly the mirror image of the other, this plane is said to be the plane of symmetry, and the crystal will said to possess plane of symmetry. Follow my point? अगर किसी भी क्रिस्टल को किसी एक प्लेन के थ्रू अगर हम काट दें दो पार्ट में और दोनों पार्ट एक दूसरे का बिल्कुल मिरर इमेज हो, एग्जैक्टली सिमिलर हो, तो कहलाएगा कि ये जो प्लेन जिसके थ्रू हमने काटा है इसको, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और इस क्रिस्टल में कहेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ प्लेन्स है जिसके थ्रू हम क्रिस्टल्स को डिवाइड करेंगे, इट वेरीज फ्रॉम क्रिस्टल टू क्रिस्टल, and the maximum number of planes by which a crystal can be divided is 9, and it is in the cubic system. यहाँ पर देखिए आप, ये this diagram you can see there is a cube and all these broken lines, these are all planes. So you can count it, there are altogether 9 planes of symmetry. Just count it. This is first plane. इसको हम वर्टिकली यहाँ से काट दें, इधर का पार्ट और इधर का पार्ट लेफ्ट एंड राइट बिल्कुल आइडेंटिकल है। सिमिलरली अगर हम इसको ऐसे काट दें, ये भी एक वर्टिकल प्लेन से कट गया, तो सामने का और ये पीछे का ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो दो हो गया। तीसरा इस डायगोनल से हम लोग काट, एक डायगोनल ऐसे वर्टिकल डायगोनल, दूसरा वर्टिकल डायगोनल ऐसे, अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, यहाँ से काट रहे हैं हम और फिर यहाँ से काट रहे हैं, तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एग्जैक्टली सिमिलर है, तो ये कितना हो गया, 4 हो गया, एक हॉरिजॉन्टल से काट दिया है लाइक दिस। तो दिस इज फिफ्थ, पांचवा ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है, यानी यहां से डायगोनल इंटरवल इंक्लाइंड प्लेन है, ये भी इंक्लाइंड प्लेन है, तो 7 हो गया, और दिस इज 8 एंड दिस इज 9, सो ऑल टुगेदर देयर आर 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री। लेकिन सारे क्रिस्टल्स में 9 प्लेन ही होंगे जरूरी नहीं है, किसी में 3 भी हो सकता है, किसी में 5 हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन क्रिस्टल, किस क्रिस्टल में है। लेकिन यू मस्ट नो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ सिमेट्री प्लेन्स ये कितना होता है, 9 होता है, दिस इज ओनली 9, एंड इट इज इन द क्यूबिक सिस्टम, स्पेशली इन द क्यूब। फॉलो माई पॉइंट? लेकिन दूसरे कोई ऑब्जेक्ट हो विच इज नॉट क्रिस्टल, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है, ये स्फीयर है, इसको कितने पार्ट में हम काट सकते हैं आइडेंटिकली? इट कैन बी डिवाइडेड इनटू इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन, एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ दिस स्फीयर, ये दो पार्ट में इसको डिवाइड करेगा, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किसी भी एंगल पर सिर्फ सेंटर से पास होना चाहिए, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिस्टल, नॉट एनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो स्फीयर भी इनफाइनाइट हो सकता है, लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट क्रिस्टल, सो टोटल नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेन विल बी 9। आई थिंक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस वन। नाउ कम टू एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इन एक्सिस ऑफ सिमेट्री व्हाट हैपेंस, कि इफ वी गिव रोटेशन टू एनी क्रिस्टल, इफ वी रोटेट द क्रिस्टल अबाउट एन एक्सिस, एंड इफ सिमिलर फेस और सिमिलर सॉलिड एंगल और सिमिलर फेस, इफ इट इज रिपीटेड मोर देन टू और मोर देन टू, ट्वाइस और मोर देन ट्वाइस इन कंप्लीट रोटेशन ऑफ 360 डिग्री, देन इट सेड दैट इट पजेसेस एक्सिस ऑफ सिमेट्री। फॉलो? कहने का मतलब है कि अगर क्रिस्टल को किसी भी एक्सिस के थ्रू अगर हम रोटेट करते हैं, 360 का रोटेशन देते हैं, कंप्लीट रोटेशन मीन्स 360 का रोटेशन, तो 360 के रोटेशन देने से अगर सिमिलर फेस या सिमिलर एज या सिमिलर सॉलिड एंगल रिपीट हो रहा है दो बार या दो से अधिक बार, तो हम कहेंगे कि इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, और जिस एक्सिस के थ्रू आपने रोटेशन दिया दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब ये जो दो बार रिपीट होता है या 3 बार रिपीट होता है या 4 बार रिपीट होता है या फिर 6 बार रिपीट होता है, 5 बार रिपीट नहीं होता है, क्यों नहीं होता मैं बताता हूँ। तो एनीवे, तो 2 बार रिपीट अगर होता है तो इसको कहेंगे एक्सिस ऑफ टू फोल्ड सिमेट्री। इसमें टू फोल्ड हो सकता है, टू फोल्ड, इसको
डायगोनल भी होते हैं, डायगोनल और बाइनरी। टू फोल्ड सिमेट्री और डायगोनल सिमेट्री और बाइनरी सिमेट्री। इसके बाद थ्री फोल्ड हो सकता है, इसको ट्राइगोनल सिमेट्री बोलते हैं, ट्राइगोनल। फोर फोल्ड हो सकता है, टेट्रागोनल। एंड सिक्स फोल्ड हो सकता है, इसको हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मे बी ऑफ टू फोल्ड, थ्री फोल्ड, फोर फोल्ड एंड सिक्स फोल्ड। फाइव फोल्ड डज नॉट अकर इन द क्रिस्टल। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था कि दीज क्रिस्टल्स आर नथिंग बट द रिफ्लेक्शन ऑफ इंटरनल एटॉमिक अरेंजमेंट और इंटरनल मॉलिकुलर अरेंजमेंट। सो दीज आर द रिफ्लेक्शन। इसलिए फाइव फोल्ड इसलिए ही नहीं होता है क्योंकि फाइव फोल्ड जो कोऑर्डिनेशन है, एटॉमिक अरेंजमेंट जो है फाइव फोल्ड, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब वो पॉसिबल नहीं है तो रिफ्लेक्शन में भी वो नहीं आता है। दैट इज वाई फाइव फोल्ड सिमेट्री इज इंटायरली लैकिंग। लेकिन कुछ दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं जिसमें कि वो आपको मिल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट हैव सीन फ्लावर हैविंग फाइव पेटल्स। उस फ्लावर को अगर हम लोग 360 का रोटेशन दें तो पांच बार सिमिलर पेटल जो है रिपीट हो सकता है ना, तो उसमें हो सकता है। बट सो फार एज क्रिस्टल इज कंसर्न, तो उसमें फाइव फोल्ड सिमेट्री नहीं होता है। दिस इज फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो दिस इज टू फोल्ड, थ्री फोल्ड, फोर फोल्ड एंड सिक्स फोल्ड। और इसके इसको हम लोग अलग अलग सिंबल से दिखाते हैं। जब हम लोग स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाते हैं तो टू फोल्ड को हम लोग इस तरह का लेंस जैसा बनाते हैं, लेंस बनाते हैं। थ्री फोल्ड के लिए लाइक दिस ट्रायंगल, फोर फोल्ड के लिए इस तरह का एक स्क्वायर, सिक्स फोल्ड के लिए उसी तरह से एक हेक्सागोन बनाते हैं। So these axis of symmetry are shown by these symbols when we use stereographic projection of different symmetry elements. Now third type of symmetry element, that is the rotary inversion axis of symmetry. So as the name implies, there is rotation also and inversion. That is why it is called rotary inversion. Rotary inversion is very simple. कि अगर क्रिस्टल को हम एक रोटेशन दें, सर्टन रोटेशन दें, सिमिलर फेज आ गया रोटेशन के बाद एक सर्टन रोटेशन, मान लीजिए सपोज आई हैव गिवन रोटेशन ऑफ 180 डिग्री, और 180 डिग्री के बाद एक सिमिलर पोजीशन जरूर आया है, लेकिन उसका जो पोजीशन है वो इन्वर्टेड है। अब अगर मैं उसको उल्टा कर दूँ तो सेम पोजीशन आ जाएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड बाई दिस डायग्राम। यहाँ पर ये एक क्रिस्टल है जिसमें ये सामने में ये आपका एक ट्रायंगुलर शेप का एक फेस है, ओके। और इस ट्रायंगुलर शेप के फेस का जो इफेक्ट है, इट इज डाउनवर्ड। इफ आई रोटेट इट, इसको हम इस ये जो एक्सिस है इसके थ्रू रोटेट अगर हम करें तो क्या होगा कि ये वाला भी सामने आएगा, लेकिन फर्क क्या होगा, इसका जो इफेक्ट है इट इज अपवर्ड। अब क्या करें कि अगर हम इसको उल्टा कर दें, इन्वर्ट कर दें, तो सिमिलर पोजीशन विल बी एक्वायर्ड। तो अगर इस तरह का ऑपरेशन है, इसको हम कहते हैं रोटरी इन्वर्सन एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें जो आपको चार तरह का जो मैंने आपको दिखाया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, टू फोल्ड, थ्री फोल्ड, फोर फोल्ड एंड सिक्स फोल्ड, फॉर्चुनेटली ये जो क्यू है इसमें ये तीनों तरह का सिमेट्री एलिमेंट्स आपको दिखाया जाता है। ये वाला बिल्कुल हेक्सागोनल सिस्टम का जो क्रिस्टल होगा उसी में होगा, बट आई कैन शो यू एक्सिस ऑफ टू फोल्ड, एक्सिस ऑफ थ्री फोल्ड एंड एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड। सबसे इजी तो पहले एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड को समझ लो। जैसे देखें आप, ये वर्टिकल एक्सिस से मैं रोटेशन दे रहा हूँ, ओके, एंड यू जस्ट गो ऑन काउंटिंग। सामने में भी एक फेस है हमारा स्क्वायर फेस, 90 डिग्री हमने रोटेट कर दिया, सामने में आ गया सिमिलर फेस, एक बार रिपीट हुआ, फिर मैंने और दे दिया है रोटेशन, 180 का रोटेशन कितनी बार आया,
दूसरी बार आया, अगेन आई की रोटेशन 90 डिग्री, यानी 270 का रोटेशन हुआ। कितनी बार आया ये? 3 टाइम। और फिर मैं इसको कंप्लीट रोटेशन 360 कर दिया तो आ गया, तो यानी कि सिमिलर फेस इज रिपीटेड 4 टाइम्स। तो ये जो एक्सिस है, दिस एक्सिस जिसके अबाउट हमने रोटेशन दिया है, दिस इज एक्सिस ऑफ फोर फोल्ड। तो इसमें ये एक्सिस भी हो सकता है, ये भी, इसको भी वर्टिकल, हमेशा रोटेशन देना है वर्टिकल करके, तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो नंबर ऑफ फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें कितना होगा? 3 होगा। ये और ये किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? A1 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस, A2 क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और A3 के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, इट मे कोइंसाइड विद द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस और इट मे बी इंडिपेंडेंट, उससे डिफरेंट भी हो सकता है। तो ये इसमें आपने पहले फोर फोल्ड सिमेट्री को अच्छी तरह से समझा, अब मैं आपको 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसमें दिखाता हूँ। 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री के लिए ये जैसे एक सॉलिड एंगल है और ठीक अपोजिट सॉलिड एंगल ये है, तो यहां से एक एक्सिस क्रॉस कर सकता है लाइक दिस, ठीक है। अब इस एक्सिस को आप क्या कीजिए, वर्टिकल कर दीजिए एंड ट्राई टू रोटेट इट। अब मैं रोटेट कर रहा हूं, हमने स्टार्ट किया है यहां से, सो दिस इज ए सॉलिड एंगल बिफोर यू, ओके। आई एम गिविंग रोटेशन, अभी यहां से स्टार्ट कीजिए, अभी काउंट नहीं करिए। एक बार आ गया सिमिलर सॉलिड एंगल, फिर 2 बार आ गया और दिस इज कंप्लीट रोटेशन, 360 का रोटेशन जो हमने मार्क किया था वो आ गया। तो कितनी बार रिपीट हुआ? 3 टाइम्स हुआ, यानी कि एवरी 120 पर सिमिलर सॉलिड एंगल इज रिपीटेड, है ना। 120 पर रिपीट हो रहा है तो कंप्लीट 360 में 3 बार आया, तो इसका मतलब हुआ कि ये जो एक्सिस है वो इस तरह से क्रॉस कर रहा है, दिस इज एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड। तो ये कितने एक्सिस होंगे ऑल टुगेदर? 1, 2, इधर से 3 और इधर से 4। सो ऑल टुगेदर हाउ मच एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड सिमेट्री इज देयर? 4। तो 4 इसमें एक्सिस हुआ जो कि 3 फोल्ड का है। इसी क्रिस्टल में आपको 2 फोल्ड भी मिल जाएगा, उसका तरीका क्या है? ये जो एज है इसका एक मिड पॉइंट ले लो, दूसरा एज ये है इसका भी एक मिड पॉइंट ले लो एंड मेक इट वर्टिकल। इसका मतलब है कि द एक्सिस इज लाइक दिस। अब इस एक्सिस को के थ्रू अगर हम रोटेट करेंगे तो आपको कंप्लीट रोटेशन में 2 ही बार रिपीट होगा। आप जस्ट ट्राई करो, देखो आपके सामने एक फेस है, स्क्वायर फेस है, डायमंड के शेप में है, इसका ये है। अब जस्ट ट्राई टू रोटेट इट। इसको मैं 90 डिग्री का भी रोटेशन दिया, अभी नहीं आया, सिमिलर पोजीशन हैज नॉट बीन रिपीटेड। एक बार आ गया, 180 के रोटेशन में 1 बार आया, फिर मैंने एक रोटेशन और दिया, नहीं आया। फिर 360 के रोटेशन में फिर अगेन, तो इसका मतलब हुआ कि 2 टाइम्स कंप्लीट रोटेशन में 2 बार रिपीट हो रहा है। सो हाउ मेनी एक्सिस विल बी देयर? एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड कैसे होगा जरा देखें आप। तो एक तो ऐसे हुआ, नंबर 1, 2, 3, 4 और ये भी तो है, ये एज इसके पैरेलल है, दिस 1, 5 एंड 6। तो इसमें 6 एक्सिस है, एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड सिमेट्री के हाउ मेनी एक्सिस आर देयर? 6। तो इस तरह से एक ही क्रिस्टल में एक्सिस ऑफ 4 फोल्ड भी है, एक्सिस ऑफ 3 फोल्ड भी है, एक्सिस ऑफ 2 फोल्ड भी है। तो ये भी डिपेंड करता है कि कितने नेचर का है, कितना नंबर है, इट डिपेंड्स अपॉन क्रिस्टल टू क्रिस्टल। सो आई सपोज आप इन दोनों को ठीक से समझ पाए होंगे। और लास्टली जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, दिस इज वेरी सिंपल सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहां पर जो सिमेट्री हम लोग देखते हैं विथ रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल। तो ये जैसे हमारे पास ये क्रिस्टल है, इसका जो सेंटर है जहां तीनों एक्सिस कट कर रहा है वही सेंटर होगा इसका।
तो इफ द सिमिलर फेस और सिमिलर एज और सिमिलर सॉलिड एंगल इज प्रेजेंट इन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, तो हम कहेंगे कि ये क्रिस्टल, इस क्रिस्टल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। फॉलो, जस्ट इमेजिन इसका जो सेंटर है उससे जितने डिस्टेंस पर ये फेस है, स्क्वायर फेस सामने, उतने ही डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में ये वाला फेस है, ये वाला फेस आप इधर से देख सकते हो, उस सेंटर से जितने डिस्टेंस पर ये है हमारे लेफ्ट हैंड में ये फेस है, उतने ही डिस्टेंस पर सिमिलर फेस डेवलप। तो अगर ये सिचुएशन है कि विथ रेफरेंस टू द सेंटर ऑफ द क्रिस्टल सिमिलर फेस और सिमिलर एज और सिमिलर सॉलिड एंगल इज प्रेजेंट एट इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन, देन द क्रिस्टल इज सेड टू बी सेंटर ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री में नंबर नहीं होता है, सिर्फ आइदर इट मे बी प्रेजेंट और इट मे बी एब्सेंट। तो कुछ क्रिस्टल्स हैं जिसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होंगे, देर आर सर्टेन क्रिस्टल्स जिसमें कि सेंटर ऑफ सिमेट्री बिल्कुल नहीं होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे इसमें नहीं होंगे। और ऐसा भी क्रिस्टल है ट्राइक्लिनिक सिस्टम में, एक ऐसा भी क्लास है जिसमें कि कोई तरह का सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता है। सो आउट ऑफ 32 क्लासेस देयर इज ओनली वन क्लास इन ट्राइक्लिनिक सिस्टम इन विच देयर इज नो सिमेट्री एलिमेंट, दैट इज नोन एज एसिमेट्रिक क्लास। सो टुडे आई हैव डिस्कस दीस पॉइंट्स, spherical projection, stereographic projection and different type of symmetric elements. So thank you students.